नमस्कार दोस्तों, आपका अखिल ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसकी परिभाषा, इसकी अवधारणा, इसके सूत्र यानी फार्मूले को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जब एक निश्चित समय के बाद दिए जाने वाले ब्याज की राशि को जमा करने वाले को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कहलाती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें तीन तरीके से बताऊंगा। पहला ये होगा कि इसकी अवधारणा को अपनी भाषा में समझ सकते हैं वैसे बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने का जो सूत्र है, फार्मूला है, लगा के सवाल के रूप में दिखाऊंगा। तीसरा, जो चक्रवृद्धि ब्याज उसके मूलधन को जोड़ के मिश्रधन प्राप्त करने के लिए भी एक सूत्र है, उसको भी हल करके बताऊंगा। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं किसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज को हम इस शीट में समझते हैं। यहाँ पर तीन तरीके समझेंगे। एक तो अवधारणा इसकी क्या है, किस तरह हम साधारण तरीके से इसको जोड़ सकते हैं प्रत्येक वर्ष को जोड़ते हुए, उसको देखेंगे। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है इसको लगा के देखेंगे। और तीसरा, मिश्र धन पे जो सूत्र है, फार्मूला है, उस पे लगा के देखेंगे। तीनों को उत्तर देखिएगा एक तरह आएगा। पहला हम अवधारणा को देखते हैं। तो परिभाषा हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज की राशि होती है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी मिश्र धन तैयार कर दिया जाता है और अगले साल के लिए वही मूलधन हो जाता है। इसको इस उदाहरण से देखते हैं। प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 6000 रुपए, दर 10% एवं समय 3 वर्ष हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं अवधारणा के रूप में इसको। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले वर्ष में मूलधन है 6000 रुपए और 6000 रुपए का 10% ब्याज जो लगेगा, 6000 का 10% होता है 600 रुपए, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। और मिश्र धन उस साल का हो जाएगा 6000 मूलधन धन 600 ब्याज, यानी 6600 रुपए। अगले वर्ष ये जो 6600 रुपए मिश्र धन है वो मूलधन के रूप में आगे बढ़ जाएगा। दूसरे वर्ष में मूलधन हो जाएगा 6600 रुपए और 10% इस 6600 का लगेगा, इसका 10% हो जाएगा 660 रुपए। अगले साल फिर आगे करने के लिए मिश्र धन बनेगा, ये 6600 में 660 रुपए ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो 7260 रुपए हो जाएगा। ये 7260 रुपए मिश्र धन है, ये अगले वर्ष तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। इस 7260 रुपए का 10% हो जाएगा 726 रुपए। और 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज समेत जो वापसी का मिश्र धन होगा वो होगा 7260 रुपए का 10% 726 जोड़ देंगे 7986 रुपए। थोड़ा इस तरह भी समझ लेते हैं कि तीनों वर्षों में ब्याज हम देखेंगे, पहले वर्ष में 600, दूसरे वर्ष में 660, तीसरे वर्ष में 726 रुपए। तीनों वर्ष का ब्याज जो है 1986 रुपए हुआ। मूलधन हमारा 6000 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे पास इकट्ठा हुआ है 1986 रुपए जोड़ते हैं तो 3 वर्ष बाद यह रुपया कुल हो जाएगा 7986 रुपए। यहाँ पर भी देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष मूलधन बढ़ रहा है। पहले साल 6000 रुपए उधार लिया गया है, फिर मूलधन 6600 हो जा रहा है, फिर 7260 हो जा रहा है। तो ये कांसेप्ट इस तरह काम करता है। अब इसी को हम इन फार्मूला में रख के देखते हैं, इस सूत्र में रख के देखते हैं। तो फार्मूला में कुछ शब्द होते हैं। मूलधन को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसको पी से बताते हैं। दर, जो ब्याज की दर होती है जो कि प्रतिशत में होती है, उसको हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं। समय वर्ष में होता है, उसको टाइम यानी टी से दर्शाते हैं। या इसको एक वर्ष में कुल ब्याज की संख्या एन से भी दर्शाते हैं। जैसे आप वही चीज यहाँ पर टी लिखा देखेंगे, यहाँ पर एन, दोनों ही समान बातें हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसको CI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इस तरह से अगर हम इस प्रश्न को यहाँ पर रखते हैं तो मूलधन P बराबर 6000, दर R बराबर 10%, समय T या N कहेंगे तो 3 वर्ष है। अब इसके अनुसार हम पहले फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। इस अवधारणा को क्लियर करने के लिए इस फार्मूला में रख के देखते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये इतना 1986 आता है कि नहीं, इसको रख के इसमें देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है पी, छोटे कोष्टक के अंदर लिखा है 1 धन R/100, और टी का घातांक है यानी समय का, और ऋण 1। अब इसमें सबको रख के देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर करेंगे, पी में हमारे पास कितना है, 6000 है, 6000 यहाँ पर लिख देते हैं। 1 धन
आर हमारे पास है 10 10 बटा 100, टी टाइम हमारे पास है 3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम जानते हैं 10 का भाग 100 में चला जाता है, तो शून्य से शून्य कट गया, या कह सकते हैं कि 10 एक कम 10 10 धम 100, 1/10 आ गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6001 धन 1/10 के घात 3 ऋण 1। अब हमें इस 1 धन 1/10 का हल निकालना है, ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ है, इसको हल करना है। तो भिन्न के नियमों के अनुसार हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1/1 होता है अगर लिख देते हैं, 1/10 लिख देते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 10 लघुत्तम के लिए अलग से वीडियो चैनल पे आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 1 का 10 में भाग देंगे 10 आएगा, 10 एक कम 10 धन 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 एक कम 1, ये आ जाएगा 11/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 6000 बड़ा कोष्टक 11/10 के घात 3 ऋण 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लिखते हैं 6000 इस कोष्टक के अंदर 11/10 का घात का मतलब होता है 11 × 11 × 11 / 10 × 10 × 10 ऋण 1, और कोष्टक बंद करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6000 का 6000 आ जाएगा बड़ा कोष्टक। अब हम 11 × 11 × 11 करते हैं तो इसका हल आता है 1331। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1331/10 का 3 बार गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 ऋण 1 बराबर लिखेंगे 6000। अब ये कोष्टक खोलेंगे, इसको हल करेंगे, तो कोष्टक जब भी खोलते हैं बाहर कुछ लिखा है उसका मतलब होता है गुणा। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 1331/1000 ऋण 1/1 लिखेंगे हैं। अब भिन्न का घटाना देख लेते हैं, तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 1000, इसका इसमें 1 बार भाग जाएगा तो 1 में गुणा करेंगे 1331 का आ जाएगा 1331। ऋण का चिन्ह इसमें जाएंगे तो 1000 होगा, 1000 एक कम 1000 लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 1331 में 1000 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 331/1000। इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोष्टक खुल चुका है 331/1000। अब यहाँ पे 1000 से 6000 को काटेंगे, 6 आएगा, हम 3 0 1 काट दिए और यहाँ पर काट दिए। अब हमारे पास जो उत्तर आया इसमें आगे वो आ गया 6 × 331। तो 6 × 331 के बराबर होता है 1986। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, 1986 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर भी आया, फार्मूला से भी हमारा 1986 रुपये आ गया। मिश्रधन यानी ए के रूप में, अमाउंट के रूप में लिखते हैं मूलधन धन ब्याज, ब्याज ये टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो मूलधन हमारा है 6000, ब्याज आया 1986, दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल आ जाएगा 7986। तो ये मिश्रधन कुल जो है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन वो आ गया 7986 रुपये। ये देखिए यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, ब्याज इतना है, ये भी यहाँ पर आया है। अब हम मिश्रधन ज्ञात करने का एकदम शॉर्ट फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो P के जगह में फिर मूलधन हम लिखेंगे 6000, ये फिर उसके बाद लिखेंगे 1 धन, R की जगह लिखेंगे 10/100 घात n, तो 3 टाइम, ये यहाँ पर TAN 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, 6000 कोष्टक के अंदर 1 धन इसको हल करेंगे तो इसको तो हम जानते हैं 0 काट देंगे, 1/10 आता है। तो हमारे पास जो है, हम पहले भी हल किए हैं कि 1/1 और 1/10 का कितना आता है, तो हम जान रहे हैं 11/10 आएगा, इसका घात 3। फिर लिखेंगे 6000, इसका मतलब क्या होता है, पहले भी लिखे हैं 11 × 11 × 11 / 10 × 10 × 10, इसका मतलब ये हुआ कि इनका आपस में गुणा, हम यहाँ लिखेंगे 6000 गुणा इन तीनों का गुणा, यहाँ पर आता है 1331 बटा इन तीनों गुणा आता है 1000। इससे
1000 से 6000 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। अब हमारे पास बचा 6 × 1331। 1331 में 600 गुणा करेंगे तो देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 1 हमारे पास हासिल है, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, फिर 1 हासिल है, 6 × 6 = 7 रुपए। ये मिश्रधन सीधे निकालने का है। यहाँ पर पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मिश्रधन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सीधे चक्रवृद्धि ब्याज के मैटर में सीधे सीधे हम मिश्रधन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मिश्रधन जो है 7986 रुपए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होगा तब इसी फार्मूले को लगाना होगा या ऐसे करेंगे, तो जहाँ पर मूलधन राउंड फिगर में है साधारण रूप में वहां पर तो ठीक है ऐसे लगा लेना, लेकिन जब ये अंक बड़े हो सकते हैं या और रूप में होंगे तब तो पूरा इस फार्मूला में रख के लगाने पे ही सही पड़ेगा। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का और मिश्रधन ज्ञात करने का पूरा तरीका इसी तरह से है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह तरीका आपको जरूर ही किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में फायदा देगा। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।